डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे जो ग्रामर के टॉपिक है वो चल रहे हैं, जिसमें से हम नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है एडजेक्टिव। तो एवरी स्टूडेंट वेरी वेल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब या मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन या एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए प्रोनाउन एंड ए नाउन। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है कि विशेषण जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, तो वो जो वर्ड होता है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। An adjective is a word which adds something. An adjective, एक adjective एक word होता है जो कि add करता है, जोड़ता है something कुछ to the meaning of a noun or a pronoun. इसमें एक noun और pronoun में के meaning में जो कुछ और add करे या उसको describe करे या noun या pronoun को modify, उसकी quality बताए, हमें describe करे, उस word को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं हम उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि वो हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है कि उसके अंदर विशेषता क्या है आखिरकार। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज द हाउ मेनी काइंड्स ऑफ या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। तो यहाँ पर टोटल 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हैं इन इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेटा, ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी। द मीनिंग ऑफ क्वालिटी इज कि किसी के अंदर कौन से गुण है। गुण का मतलब क्या होता है? उसकी एक विशेषता, यानी उसके अंदर एक क्वालिटी है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो क्वालिटी को बताने वाले, क्वालिटी को दर्शाने वाले वर्ड को हम कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, सच है, जैसे कि अ ब्लू लिली। अब कोई फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, तो यहाँ पर लिली, लिली हमारे कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। आपको पता है एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है उसको कि जो नाउन है प्रॉपर नाउन से पहले यूज हो रहा है, और लिली के बारे में बता रहा है कि लिली का फ्लावर कैसा है, ब्लू है। उसके कलर को हमें एक्सप्लेन कर रहा है, उसके गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पर देखिए एक क्लेवर गर्ल, एक लड़की है, गर्ल यानी को क्या है, वो एक नाउन है, और वो कैसी है? क्लेवर, बहुत ही चतुर है। तो उसके गुण को बता रहा है यहाँ पर, इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स अ वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी के बारे में बताता है हमें, वो कौन सा वर्ड होता है, डिस्क्राइब करता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सेकेंड है हमारा यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर के मीन्स आप जानते हैं, हमने नाउन वाला जब चैप्टर पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ी थी कि हमारी प्रॉपर नाउन कौन सी होती है। प्रॉपर नाउन वो होती है जो एक पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस का पर्टिकुलर नेम से हमारा मतलब होता है, जिनका एक प्रॉपर नेम है, एक स्पेसिफिक थिंग या पर्सन या प्लेस से लिया गया था। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का भी मतलब वही है। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब जो प्रॉपर नाउन से पहले जो एडजेक्टिव यूज हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मेन बात क्या होती है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है इट्स ऑलवेज राइट्स फ्रॉम द कैपिटल लेटर, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम ऑलवेज द कैपिटल लेटर, बिकॉज इट डिस्क्राइब द रिलीजन, द कंट्रीज एंड द रिलीजियस। किसी भी रीजन्स को दर्शाता है, एरियाज के बारे में बता रहे हैं, देशों के बारे में बता रहे हैं, और रिलीजन्स के बारे में, यानी प्रॉपर नाउन से रिलेट हो रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन से रिलेट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और यहाँ पर देखें आपको क्या बताया गया है, ए चाइनीज पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब का आप जानते हो, धार्मिक जो तीर्थ स्थल होते हैं उनके बारे में। और चाइनीज चाइना है, चाइना एक देश है, और चाइना से आपने उसको क्या बना दिया, चाइनीज। तो वहां पर ये जो यूज हुआ है चाइनीज वर्ड, वो प्रॉपर नाउन से पहले यूज हुआ है। और यहाँ पर देखिए द इंडियन सोल्जर, तो इंडियन सोल्जर, सोल्जर आपको पता ही है कि हमारे नाउन है, और तो इस नाउन से पहले हमने एक वर्ड यूज किया है इंडियन, जो कि किससे बना है, इंडिया से, यानी
हम उसके रिलीजन को भी दर्शा रहे हैं यहाँ पर, उस देश से रिलीजन को भी बताएगी कौन से देश से है, इंडियन नेशनलिटी बताई हुई है। अब देखिए ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुई है, तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसमें प्रॉपर नाउन से पहले यूज हो रहा है और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और हमेशा ही जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो हमारे प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करेगा, यहाँ पर उसके बारे में बताता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन रीड की थी। अब नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए पहले हम पढ़ने पड़ा है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है किसी के गुणों से हमारा मतलब होता है। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया, गुण। और यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। किसी भी चीज की मात्रा जब हमें बताई जाती है, मात्रा का सूचक जो होता है, जो हमें क्वांटिटी दर्शाता है, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया सम शुगर। अब शुगर हमारी क्या है, नाउन है। नाउन को कैसी, कितनी शुगर है, उसको क्या डिस्क्राइब किया है, सम कुछ मात्रा बताई है। मच वेट, इस भाई कोई आप सामान उठाते हो कहते हो ये तो बहुत भारी, तो उसके बारे में आपने क्या डिस्क्राइब किया, भारी है, वेट है इसके अंदर हैवी, यानी इस वेट में मच यानी बहुत सारा वेट है। तो यहाँ पे मच वर्ड से यहाँ पर एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इनफ वाटर, देयर इज इनफ वाटर इन द पॉट। तो इनफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी बताई गई है कि यहाँ पर मटके में कितना पानी है, इनफ काफी पानी है, जितना होना चाहिए उचित मात्रा में पानी मौजूद है। तो इस तरीके से जो हमें मात्राओं के बारे में बताता है, जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, जैसे सम, मच, इनफ, मच, मैनी, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी तक हमने सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है। एडजेक्टिव विच ए वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, और इट्स डिस्क्राइब अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, डिस्क्राइब करता है जो ही। सो We also said that adjectives are describing word. हम adjectives को क्या कहते हैं, describing word भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो noun और pronoun को describe करते हैं। तो इसी तरीके से हमने इनसे types पढ़े हैं, अभी तक हम 3 types पढ़ चुके हैं। First है adjective of quality, what is the meaning of quality, जो कि गुण बता रहा है, जैसे कि head है, clever है, beautiful है, fast है, ये सारे गुण उसमें बता रहा है। Next देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि एक ऐसे प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी प्रॉपर नाउन के की तरह ही यूज होता है वहां पर, इसीलिए उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो कंट्रीज, रिलीजन और रीजंस को दर्शाता है, वहां पर हम किस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव का। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताई है आपको, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जो मात्रा के बारे में नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी दर्शाता है, डिस्क्राइब करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से ही आपको पता चल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर मीन्स होती है संख्या। तो संख्या हमारी जो भी होती है वो दो तरीके की हो सकती है, एक डेफिनेट हो सकती है, एक इनडेफिनेट हो सकती है। आप देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर टू टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर वन डेफिनेट, नंबर टू इनडेफिनेट। डेफिनेट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट। डेफिनेट मीन्स जो फिक्स्ड है, अनचेंजेबल, फिक्स्ड हो गया है, जिसकी संख्या निश्चित है। और जो विच इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड इनडेफिनेट, जो कि फिक्स्ड नहीं है वो इनडेफिनेट है। तो यहाँ पर आपको बताया गया डेफिनेट नंबर, जैसे कि 10 गर्ल्स, गर्ल्स की काउंटिंग की गई और उसमें बताया गया कि कितनी लड़कियां है, 10 लड़कियां है। काउंटिंग से हमें पता चल गया है। फोर्थ रो, कौन सी रो की बात हो रही है, फोर्थ रो यानी जो चौथी लाइन है उसकी बात हो रही है। सिंगल डेक्स, एक सिंगल डेक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सिंगल वर्ड यूज हुआ है, जो फोर्थ रो और टेन, ये हमारे कौन से हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डेफिनेट, जो डेफिनेट हमें नंबर बता रहे हैं वो है। इसके बाद इसी में ही हमारे दूसरे आते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट भी क्या है, ऑल टॉयज, ऑल मतलब सभी खिलौने, कोई पर्टिकुलर निश्चित नहीं बताया गया, क्यों यानी कुछ, और सेवरल का मतलब भी क्या होता है, कुछ लोगों से होता है। तो यहाँ पर जो सेवरल, क्यों और ऑल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इनडेफिनेट पार्टिसिपल्स का, तो टू टू टाइप में हमें बताया है नंबर को, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट में। नेक्स्ट हमारा देखिए बेटा आता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी हमने कुछ दिन पहले डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव यहाँ पर हमने ना प्रोनाउंस के बारे में भी पढ़ा था। डेमोंस्ट्रेट करना होता है किसी को, पॉइंट आउट करना, किसी को संकेत करना, दर्शाना किसी चीज को। और हम कैसे किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, हम हमेशा दिस दैट दिस दोज लगा कर बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दैट गर्ल, दिस पेन, दोज डेट्स, दीज मैन, दीज मीन्स, तो ये सारे जो वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे कि दिस दैट दीज और दोज, ये हमारे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, अलग अलग बताना, हर एक के बारे में अलग अलग बांटने से मतलब है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, अलग अलग बताना। जैसे कि देखिए ईच, प्रत्येक, ग्रुप में बहुत सारे हैं लेकिन हर एक की अलग अलग, एवरी चाइल्ड, क्लास में जितने भी बच्चे हैं, एवरी, प्रत्येक बच्चा, हर एक, यानी कोई छूटना नहीं चाहिए। Either pen, neither advice, कोई भी एक ये पेन और कोई भी एडवाइस नहीं, या तो कोई भी एडवाइस नहीं दी गई। तो यहाँ पर जो either, neither, each और every ये वर्ड्स यूज हुए हैं, ये हमारे कौन से एडजेक्टिव्स हैं, ये हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स आपको पता ही है, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर कोई क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। इसके लिए हम व्हाट, विच और हुज का यूज करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जब क्वेश्चन वर्ड व्हाट, विच और हुज और इसके बाद जस्ट नाउन आती है तो वो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। और जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, विच और हुज आ गया और उसके जस्ट बाद वर्ब आ गई, तो वो हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में ये डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस दिए गए हैं, विच पेन इज योर्स, इसमें से कौन सा पेन, देखिए विच हमारा डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड वर्ड है और इसके जस्ट आगे नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, पेन। पेन क्या, एक नाउन है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और सेकेंड सेंटेंस में देखिए, Which is your pen? Which के बाद just WH family word के just बाद आपको क्या दिया हुआ है, is दिया हुआ है, तो ये एक verb है और इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया है, interrogative pronoun हो गया। इस तरीके से आप इसमें difference कर सकते हैं कि interrogative pronoun कौन से होते हैं, interrogative adjective कौन से होते हैं। तो next और last है हमारा possessive adjective। जिस time हमने pronoun वाला अपना chapter किया था उसमें मैंने आपको एक table बताई थी जिसमें कि हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किए थे, और उनमें एज ए सब्जेक्ट क्या यूज होते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट क्या यूज होते हैं वो मैंने आपको बताया था। और बीच में जैसे आई, माई, मी, आई एज एन सब्जेक्ट और मी एज एन ऑब्जेक्ट और माई वो एक पजेसिव के रूप में यूज होते हैं, वो पजेसिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है, माई, अवर, हर और दे है, ये एज एन पजेसिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। तो यहाँ हमने पहले एडजेक्टिव पढ़ाया, फिर इसके टाइप्स पढ़े हैं एक के एक, और जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें द एडजेक्टिव कंपैरिजन। अब कंपैरिजन से आपका मतलब क्या होता है, तुलना, जब हम एक चीज की दूसरी चीज से, एक चीज की दूसरी चीज से तुलना कर रहे हैं या फिर दो या तीन चीजों की आपस में तुलना कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है कंपैरिजन करना। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन 3 degrees में दिया होता है, 3 degree होती है इसकी, फर्स्ट होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव और थर्ड होती है सुपरलेटिव। तो हमारे जैसे फर्स्ट में अब मैंने आपको दे दिया टॉल, दे दिया एक और टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब यहाँ पर ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक, ब्लैक में ई आर जोड़ दिया है, ब्लैकर, बी एल ए सी के ई एस टी, ब्लैकेस्ट, कॉल्ड, कॉल्डर, कॉल्डेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। और इनके कुछ रूल्स होते हैं, कईयों में सिर्फ हमें ई आर ई एस टी लगाना होता है, कहीं पर हमें जहां पर हमारे टू सिलेबल वर्ड होते हैं जैसे कि ब्यूटी और उसके साथ फुल, या ऑनेस्ट और ली, जहां पर हमारे टू सिलेबल वर्ड यूज होते हैं वहां पर हम जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तब हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं, अदरवाइज ई आर और ई एस टी यूज होते हैं।
और कई बार क्या होता है हमारा जो लास्ट वाला जो भी अल्फाबेट का जो भी हमारा कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल दिया हुआ है, जब हम उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ते हैं तो वो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है। कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि बिग है, बिग में दिया है जी होता है, लेकिन जिस टाइम हम उसको कंपेरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं तो डबल जी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद करने होंगे। आई होप आपको एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम इनके कुछ रूल्स जो आगे हमें बताए गए हैं, कुछ एडजेक्टिव दिए जाएंगे एक्सरसाइज में, वो आप याद करेंगे और अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझेंगे। ओके, आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।